बिल्कुल जी, दास बगीचा सिंह रत्ता खेड़ा ये आप जी दे चैनल दसना चाहुंदा कि जो भाई हरमिंदर सिंह मिंटू सी इन्हां दे दिल दे विच प्रॉब्लम सीगी, वाल पए हुए सीगे, पर सरकार ने इन्हां दा टाइम सिर इलाज ना करके तो ना ही इन्हां दा कोई वधिया ट्रीटमेंट कराया, ना इन्हां नूं होस्पिटल लै गया, जिहदे करके इन्हां दी जेल दे विच डैथ हो गई। इन्हां नूं जदों उल्टियां लगियां जेल दे विच ते प्रशासन ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि जाके इन्हां दा कोई वधिया तरीके नाल इलाज जां इन्हां नूं बाहर होस्पिटल लिजाया जाए। बिल्कुल जी, जगतार सिंह हवारा जी आ जहेदार श्री अकाल तख्त साहब वो तिहाड़ जेल दिल्ली च बंद है, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी दर्द होंगी है, उन्होंने भी इलाज नहीं कराया जा रहा। हाई कोर्ट ने भी आर्डर किया जेल दिल्ली सेंटर जेल में भी इन्हों का इलाज कराया जाए, पर बड़ी एक त्रास की गल आ भी जो प्रशासन है बिल्कुल कोर्ट का भी नहीं गल मनता, कानून की गल भी नहीं मनता। तो हवारा साहब ये प्रॉब्लम है, होर साडे दया सिंह लाहौरिया जी ने जेल चुना ये होर कई सिंह प्रॉब्लम हैगी, पर जी सरकार आ जेलों में ही मारना चाहती है, उन्होंने इलाज नहीं कराए जाते। इस करके सिख कौम बड़े वाला रोस है गल का, तो सरकार एक दिन यदि गल का जरा देना पेगा जवाब यदा जी। भाई साहब भाई हरमिंदर सिंह जी ने बड़ा लंबा समा सिख कौम के हकों की खातर बहुत वाला संघर्ष किया और लंबे समय तो जेलों के बहुत वाला संताप भोग रहे सन। पिछले दिन ही उन्हों का 18 तारीख को अकाल चलाना होया, जो कि जेल प्रशासन वालों एक तरह का उन्होंने पिछले समय तो काफ़ी समय तो यह शिकायत की कि मैनू हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा बाहरले किसी वड्डे हॉस्पिटल के इलाज कराया जाए, लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने उन्हों की एक नहीं सुनी और ना ही उन्हों का इलाज करवाया गया, ना ही उन्होंने किसी बड़े हॉस्पिटल के दाखिल करवाया गया और लगभग वो सारे केसों तो बरी हो चुके सन। इस करके जड़ी उन्हों की शहादत हुई है एक असी सारे समझते हैं साजिश भी है और ये जान बुझ के उन्होंने किसी हॉस्पिटल के एडमिट नहीं करवाया गया, यदि पूर्ण तौर पर जाँच होनी चाहिए है। हाँ जी, मैं ये भी गल कहनी चाहना, 28 तो लगभग यहोजे सिख है हिंदुस्तान दियां जेलों के जेड़े सजावां भी पूरियां कर चुके हैं पर अजे तक उन्होंने रिहा नहीं किया गया और बहुत शरीरक बीमारियां करके भी पीड़ित है। 150 के लगभग होर सिंह भी जेलों के नज़रबंद है, पंजाब के भी जेलों के नज़रबंद है। सेंटर सरकार तक, पंजाब सरकार तक बड़ी बेरी ये आवाज़ उठाई गई है, अप्रोच भी की गई है कि जिन्हां दियां सजावां पूरियां हो चुकियां उन्होंने रिहा किया जाए, लेकिन उन्होंने अज तक रिहा नहीं किया गया। कानून ने भी अजे तक उन्होंने कोई इंसाफ नहीं दिता, इस गल का समुची कौम के अंदर बड़ा भारी रोस है। नहीं जी, उन्होंने जो ये घटना वापरी है साजिश के तहत ही होया सारा कुछ। सानू जो पता लग रहा वो तो मीडिया चो जो पता लग्या मतलब कि तबीयत ठीक नहीं उन्हां दी, क्योंकि जो अरेस्ट किया उदों स्टंट पिया सी उन्हां दे, हार्ट प्रॉब्लम दसी उन्हां नूं पहलां। हाँ जी, मैं तरीक से मिले मतलब कभी मेडिसन होंगी सी प्रोपर जो मेडिसन उन्होंने प्रोवाइड नहीं सी होंगी, कदे हो जाए कद लैके पी जी आई भी लैके गए थे उन्होंने, कद लैके जाते कभी नहीं। कल भी जो असं डेड बॉडी लैन गए तो जज साहब से उत्थे उन्होंने पूछा बयान लाए साढ़े सामने सारे, उन्होंने कहा भी इनकुआरी होनी चाहिए जो भी होया, क्योंकि अंदर कस्टडी से जो भी होया इनकुआरी होनी चाहिए, उन्होंने कहा हाँ मार्क की इनकुआरी होगी। एक जो तुम मिलते थे उदो कोई गल इन्होंने की ट्रीटमेंट पूरा मिल रहा नहीं मिल रहा, दूजा टॉर्चर वगैरह कोई किस तरह की गल? एक्चुअली उन्होंने सुभाष ही बहुत ही गल दसते नहीं, सूँ पता कि माता मम्मी होंगे सी नाल फिक्र करते हैं बहुत, हूँ भी मिले तो माता जी ने तो दसते नहीं बहुत गल नहीं करते। इलाज बारे कोई गल की मतलब इलाज तो मीडिया चो भी वो भी कहते कभी लैके जाते कभी नहीं भी खड़ते हैं। इनक्वायरी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, कोई भी हो जो कोर्ट की ड्यूटी वो अपनी ड्यूटी कर दिया, पुलिस प्रशासन की अपनी हर एक की अपनी ड्यूटी है, सही ड्यूटी हो हर एक अगर कोई जो भी हर एक सामने आना चाहिए।